वॉट इज अबकाइज और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले माइक्रोमैक्स इन टू बी स्मार्टफोन के बारे में इससे पहले जो इन वन भी आया था एंड नाउ इन टू बी सच ए स्मार्ट नेमिंग बट ये स्मार्टफोन जो है काफी ज़्यादा जो अच्छा नज़र आ रहा है ये आता है करीब करीब एट थाउजेंड पे जो है तो ये एट थाउजेंड बिल्कुल जो बजट स्मार्टफोन हमें देखने को मिलता है बट परफॉर्मेंस वाइज ना ये स्मार्टफोन वन ऑफ दी बेस्ट जो है वो बन जाता है तो इसी बारे में अपडेट जो वीडियो रहेगी बट इफ यू न्यूट्यूब द चैनल मेक यू टू सब्सक्राइब इट दिस इज निकल यू आर वॉचिंग एंड लेट यू स्टार्ट तो वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें इसके डिजाइन की तो डिजाइन जो बिल्कुल इन वन जैसा जो था वैसा ही जो हमें देखने को मिलता है उसमें कोई भी इशू नहीं बिकॉज इस प्राइस रेंज में वैसे हमें कुछ खास डिजाइन जो देखने को नहीं मिलते तो डिजाइन के मामले में स्टिल ये जो है काफी ज्यादा ठीक ठाक जो स्मार्टफोन देखने को मिलता है आठ के हिसाब से तो मैं कहूँ काफी ज्यादा जो बढ़िया देखने को जो मिलता है बैक में हमें डबल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है ट्यूबल कैमरा सेटअप जो देखने को मिलता है फ्रंट में जो हमें नॉच देखने को मिलती है एंड नीचे ऑब्वियसली चिन भी जो देखने को मिल जाता है ओवरऑल ना स्मार्टफोन के साइज एंड एस्थिक की बात करूँ तो मेरे को ठीक ठाक ही जो लगा है अगेन इस

यूजुअली इसके सारे जो जो भी हमारे कंपैरिजन कंपटीशन जो है ना वो सारा हीलियो जी थर्टी फाइव या ही जी ट्वेंटी फाइव जो है वो ऑफर कर रहे हैं वहीं पे ये वाला जो प्रोसेसर है ये हीलियो जी सेवेंटी के आसपास जो लगभग पड़ता है उससे हल्का सा कमी उसके आसपास ही मैं कहूँगा इसे तो परफॉर्मेंस के मामले में फॉर श्योर सारे कॉम्पिटिशन से जो बेटर परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा और साथ ही साथ इसकी एक और चीज़ अच्छी है वो है इसमें यू जो है बिल्कुल हमें स्टॉकेश जो है वो फील देखने को मिलता है तो उस मामले में ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस वाइज में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म जो करते नजर आएगा वही जो है मेरे ख्याल से इसका यूनिक सेलिंग बड मेजर सेलिंग पॉइंट जो है इन टू बी का वही जो रहने वाला है इसका प्रोसेसर एंड इसका जो है हमारी यूआई बहुत ही बड़ी जगह देखने को मिल रहा है बट हाँ कुछ चीज़ें और चीज जैसे जब इन वन बी वन बी जब फर्स्ट स्मार्टफोन जो आया था उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है सही नहीं थी रीजन मिंग वो जो है एक फर्स्ट स्मार्टफोन था मतलब काफ़ी टाइम बाद माइक्रो मैक्स की तरफ से फर्स्ट स्मार्टफोन देखने को मिलता तो उसका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा जो है अनपॉलिश था कुछ कुछ जो है बग्स एंड कुछ मिनिमल क्रेशज जो हमें जरूर देखने को मिलते थे बट मेरे ख्याल से अब काफी अच्छा जो है परफॉर्म कर दिया अपडेट्स वगैरह के बाद अच्छा जो है परफॉर्म करते हमें नजर आएगा ये यू आई तो ओवरऑल मैं कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ लगी इसका परफॉर्मेशन यू आए उसके अलावा बात करें इसके बाकी स्पेफिकेशन की तो हमें सिक्स इंच की जो है स्क्रीन देखने को मिल जाती है काफी ज्यादा जो है बड़ी स्क्रीन है रिफ्रेश रेट जो हमें नॉर्मल जो वो देखने को मिलेगा फाइव थाउजेंड की जो बैटरी भी हमें देखने को मिल जाती है थ्री पॉइंट mm हेडफोन जैक भी है तो दैट इज़ ऑल्सो फीचर नाउ एज तो ओवरऑल जो है स्मार्टफोन काफी अच्छे से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और बैटरी बैकअप भी जो आपको अच्छा खासा निकाल कर दे देगा तो मेरे हिसाब से अगर आठ हज़ार के बजट में हम ब, बात करें तो ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा जो बढ़िया दिख रहा है मुझे इसके अलावा सारे स्मार्टफोन में ही जो जी थर्टी फाइव है एंड बाकी कैमरा वगैरह का तो क्या ही कंपेरिजन करें आठ हज़ार में उतना जो, जो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते बट स्टिल मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाली एक चीज जो मैं बताना भूल गया वो इसका कैमरा सेटअप जो है थर्टीन पॉइंट टू मेगा पिक्सल का जो देखने को मिलता है एंड कैमरा क्वालिटी जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल रही है फर्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन में भी जो है काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं प्राइस के हिसाब से एंड ये भी जो है काफी ज्यादा अच्छे जो रिजल्ट निकाल कर दे रहा है तो अगर आप बजट स्मार्टफोन देख रहे हैं या सेकेंडरी स्मार्टफोन देख रहे हैं ना आठ के अंदर मेरे हिसाब से स्मार्टफोन बहुत ही जो बढ़िया नजर आ रहा है मैं चाहता हूँ इंडियन कंपनीज और भी जो है ऐसी चीजें ट्राई करें बाकी मतलब इंडियन कंपनीज भी जो ऐसी चीजें ट्राई करें माइक्रोमैक्स काफी ज़्यादा अच्छा जो निकाल कर रही है हाँ विशेल वी स्टिल एक्सपेक्ट की मतलब बीस के आसपास भी जो है ये एक अच्छा सा स्मार्टफोन जो निकाल कर ले तो हमको थोड़ा सा जो है चाइनीज कंपनी जामुन वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट स्टिल स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के, तो के अंदर बिल्कुल जो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन के है। बिल्कुल आप आंख बंद करके इसको खरीद सकते हैं मुझे स्मार्टफोन बहुत ही जो बढ़िया लगा बट आप जरूर बताने कि आपको ये वीडियो कैसे लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना शेयर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को